गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं आपको बोला था ये इंडस्ट्रियल शेड आता बोल के, बहुत बड़ा शेड है। देखिए अभी रेडी हो गया इंडस्ट्रियल शेड। अभी आज का टॉपिक है कर्ब स्टोन एंड पेवर्स। बाहर का ये बहुत बड़ा शेड का बगल में हम कार पार्किंग बना रहा है, रोड बना रहा है, ये कर्ब स्टोन लगा रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। इधर देखिए मैं किधर क्या खड़ा हुआ है। दिस इज़ द पूरा ये कार पार्किंग है। ये फर्स्ट कैसा था आप फर्स्ट वीडियो देखिए, पूरा मट्टी था, पूरा गंदा था। ऐसा हो के अभी देखिए कैसा, अभी पूरा ये भी कंप्लीट नहीं हुआ कार पार्किंग है। थोड़ा थोड़ा सा उधर उधर काम बैलेंस है। इधर देखिए एम सैंड पड़ा हुआ है, ऐसा काम बैलेंस है थोड़ा सा, 100% नहीं हुआ। ये होने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। देखिए पूरा कार पार्किंग है, इसको बोलते हैं पेवर्स। देखिए पूरा पेवर्स है। इधर 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 नहीं डाला, बाद में डालेगा, इधर डालेगा, थोड़ा सा काम पेंडिंग है। ये एक प्रोसेस कैसा रहता बोले तो, अभी इधर देखिए फर्स्ट ऐसा मट्टी रहता है, मट्टी का पूरा ग्रेड से कॉम्पैक्शन करेगा। कॉम्पैक्शन करने के बाद बहुत अच्छा से कॉम्पैक्शन करने के बाद कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद इसको ऊपर में एम सैंड डालेगा। ऐसा एम सैंड डालने के बाद पूरा लेवलिंग करेगा, पूरा लेवल चेक करता है क्या क्या आर एल आता है, क्या आर एल को पेवर्स को टॉप कितना रहना या कि नीचे कितना रहना बोल के, वो डंपी लेवल या थीडोलाइट लेवल, सॉरी डंपी लेवल से चेक करेगा उसको, नहीं तो टोटल स्टेशन ऐसे चेक करेगा, नहीं तो मैनुअली भी चेक कर सकते, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऐसे पूरा लेवल रहने का ही है, इसको बोलते हैं पेवर्स। मतलब ये पर्टिकुलरली ये पूरा हमारा कार पार्किंग है। कर्ब स्टोन बोले तो ये वाला एंड में है ना, दिस इज द कर्ब स्टोन। ये आपको विड्थ 600 मिलेगा, 600 मतलब दो फुट मिलता है। डेप्थ आपको 400 रहेगा, उसमें बहुत वैरायटी है। देखिए बीच में भी गार्डन आ रहेगा, इधर पूरे कार पार्किंग। इधर देखिए लेवल किए हैं, एम सैंड डाल के लेवल किए हैं, मगर पेवर्स नहीं डाला, कल डालेगा। देखिए ऐसा लेवर्स, इधर आपको देखे तो मालूम होगा इधर पेवर्स है, इधर पेवर्स नहीं है, पूरा ऐसा चेक करेगा। इधर देखिए ऐसा पूरा लेवल में रहेगा, ये टोटल स्टेशन डंपी लेवल से चेक करेगा इसको। इसका थिकनेस आता है आपको 60 mm तक आता है, 60 mm थिकनेस। इसमें कलर भी चेंज है, देखिए इधर बॉर्डर है, बॉर्डर कलर है, इधर अलग है, ये कार पार्किंग का बॉर्डर अलग है। इधर देखिए अभी ये डाल रहे हैं, ये पूरा हमारा कार पार्किंग एरिया है। ये बहुत वास्ट है एरिया, इट इज नियरली आपको 8000 मीटर्स पर हमारा कार पार्किंग होगा। इधर कर्ब स्टोन बोला ना मैंने, कर्ब स्टोन इधर है। देखिए कर्ब स्टोन बॉर्डर में आता है, इधर अंदर में गार्डन आता है, दिस इज द कर्ब स्टोन। ये बीच में गार्डन आएगा पूरा, इधर से ऐसा गार्डन डिज़ाइन। ये बीच में रोड आएगा, मैं टाइम मिलेगा तो आपको रोड का ये गार्डन होने के बाद कैसा दिखता है, ये कार पार्किंग पूरा होने के बाद कैसा दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको मतलब अच्छा पिक्चर आएगा कि कैसा था, कैसा हो गया बोल के। मैं हर एक वीडियो कब कब टाइम मिलता है वो टाइम में मैं डाल रहा हूँ। देखिए इंडस्ट्रियल शेड में बोला था ना, एक साल में ये कड़ा हो गया, 1200 मेट्रिक टन का स्ट्रक्चर ये नियरली। मैं ये अंदर का वीडियो भी डाला हूँ, अंदर में कैसा दिखता बोल के। मैं कभी कभी टाइम मिलेगा तो आपको पूरा अंदर का भी एक व्यू दिखा देता हूँ, वो कैसा था फाउंडेशन में लेवल में कैसा था, वो भी मैं वीडियो डाला है, वो भी देखिए। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अच्छा आएगा, ठीक है। इधर देखिए ये गार्डन करने के लिए एरिया, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।